हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कई बार क्या होता है कि किचन में काम करते वक्त कई बार बर्न हो जाते हैं, जैसे रोटी बनाते वक्त गर्म तवे से हाथ लग जाना या कुछ तलते वक्त छींटे पड़ जाना। तो ऐसे में जलन होती है और फफोले भी पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो गाइज, यहाँ पर मेरे हाथों में फफोले हो गए हैं और ये तेल के, गरम तेल के छींटे पड़ने से हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर फफोले पड़ जाए तो क्या करना है, क्योंकि फफोले पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को चार रेमेडी बताऊँगी, जिसमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं और जलन से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये है एवरटीन का पैंटी लाइनर। अगर आपके प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद पानी आने की समस्या है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां हैं जिनको ये समस्या है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को गीला होने से बचा सकते हैं। और ये बहुत ही हैंडी है और बहुत ही हल्का है। सो गाइज, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किचन में काम करते वक्त अगर जल जाए और फफोले पड़ जाए तो जलन से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहला रेमेडी है, आप इसके ऊपर ग्लिसरीन लगा सकते हैं। सेकेंड, आप इसके ऊपर नारियल तेल लगा सकते हैं। थर्ड, आप इसके ऊपर शहद लगा सकते हैं। और फोर्थ, आप इसके ऊपर आइस लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि गर्माहट बाहर निकलेगी और जलन नहीं होगी। सो गाइज, थोड़े बहुत बर्न हो जाने पर और फफोले हो जाने पर आप इन सब उपायों को करके जलन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जल जाए तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। सो गाइज, ये था मेरा आज का रेमेडी जो कि मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ जल गए हैं और यहाँ पर फफोले भी हो गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये रेमेडी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। बाय बाय।